हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग लेटर के कुछ एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो कि हमारे शर्मा के इस बुक में दिया हुआ है, और उसी का हम लोग आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बाकी बाद मेरा अपना जो पर्सनल नोट्स है उसको हम कभी बाद में अपलोड कर देंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ है, इससे तो ज़्यादा ही क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लेटर रिटेन टू रिलेटिव और फ्रेंड्स आर, कह कि वैसा लेटर जो हम लोग रिलेटिव के पास या तो फ्रेंड्स के पास लिखते हैं वो किस कैटेगरी में आती है, फॉर्मल में, इनफॉर्मल में, ऑफिशियल में और एप्लीकेशन में। तो देखिए, हम लोग पढ़े ही हुए हैं कि लेटर के दो टाइप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब उसमें से क्या होता है कि फॉर्मल में हमारा आ जाता है बिजनेस लेटर, फॉर्मल में हमारा आ जाता है ऑफिशियल लेटर, फॉर्मल में हमारा आ जाता है लेटर टू द एडिटर, फॉर्मल में हमारा आ जाता है एप्लीकेशन और जॉब। लेकिन इनफॉर्मल लेटर किसे बोलते हैं? वैसा लेटर जो हम लोग अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव के पास लिखते हैं उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपियंट, करा कि रिसिपियंट दैट मीन्स प्राप्तकर्ता पे वांछित प्रभाव डालने के लिए एक फॉर्मल लेटर को कैसा होना चाहिए। तो एक फॉर्मल लेटर को कैसा होना चाहिए, इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि इन दी प्रॉपर फॉर्मेट, कि प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा, टू दी पॉइंट एंड रिलीवेंट, एकदम टू दी पॉइंट और रिलीवेंट होना चाहिए। तीसरा है ग्रामेटिकली करेक्ट। चौथा हमारा है ऑल ऑफ दीज, तो सारा चीज होना चाहिए। अगर हम लोग लेटर लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए, टू दी पॉइंट और रिलीवेंट भी होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फोर, ऑल ऑफ दीज। कह रहा कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कह रहा कि लेटर राइटिंग में जो है रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर, बिजनेस लेटर या इनफॉर्मल लेटर। तो हमारा क्या हो जाएगा? बिजनेस लेटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेटर टू द एडिटर आर रिटेन फॉर, कह रहा लेटर टू द एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? ये लिखा जाता है हम लोग न्यूज़पेपर के लिए। किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर, करा कि इनमें से कौन लेटर टू एडिटर, ठीक ना, लेटर टू एडिटर का कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए, लेटर टू द एडिटर में टाइटल तो नहीं होता है। हम लोग पढ़े कि लेटर टू द एडिटर में कहीं टाइटल होता है क्या? कहीं नहीं होता है। सैल्यूटेशन तो होता है, अभिवादन तो होता है जो हम लोग सर या डियर सर लिखते हैं, डेट भी होता है, सिग्नेचर भी अंत में हम लोग करते हैं, तो टाइटल नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इज करेक्ट, ये सब नहीं होगा। आगे हम लोग चलते हैं। लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विद, कि लेटर टू एडिटर जो है जनरली स्टार्ट होता है किससे? स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से, स्टार्ट होता है सेंडर एड्रेस से, होता है डेट से, होता है या रिसीवर एड्रेस। काफी बार हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्लासरूम में कर चुके हैं कि लेटर टू द एडिटर जो है जनरली स्टार्ट किससे होता है? सेंडर एड्रेस से होता है। किससे स्टार्ट होता है? सेंडर एड्रेस से होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि इन अ फॉर्मल लेटर टू एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, कह रहा कि फॉर्मल लेटर जो हम लिखते हैं लेटर टू द एडिटर उसमें कंप्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए। योर लविंग, योर लविंग तो हो नहीं सकता है क्योंकि योर लविंग किस में होता है? इनफॉर्मल लेटर में होता है। लेकिन यहाँ पूछ किस में रहा है? फॉर्मल लेटर में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट है। क्या हो जाएगा? योर्स ट्रूली। क्या हो जाएगा? योर्स ट्रूली। आगे हमारा है एट, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एट विच प्लेस विद लव कैन बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर, कह रहा कि इनफॉर्मल लेटर में विद लव का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? क्लोजिंग के टाइम में, हेडिंग के टाइम में, हेडिंग में, ओपनिंग में या तो बॉडी में। तो इसमें हम लोग देखेंगे विद लव का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो कब करते हैं? क्लोजिंग के टाइम में करते हैं, इनफॉर्मल लेटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर हम लोग कैसे लिखेंगे? तो राइट लेजिबली इन सिंपल इंग्लिश, एकदम सिंपल इंग्लिश में स्पष्ट रूप से लिखेंगे। ग्रामर को इग्नोर करेंगे, इग्नोर ग्रामर, लिव आउट डेट या स्क्रिबल करना है, घसीट मतलब घसीट के लिखना है थोड़ा सा। तो इनफॉर्मल लेटर को जो लिखते हैं ना वो लेजिबली होना चाहिए और सिंपल इंग्लिश में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर अ स्कॉलरशिप टू इनेबल यू टू ज्वाइन अ कॉलेज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ठीक ना।
तो इसमें क्या बोला कि एक कॉलेज में शामिल होने के लिए आपको सक्षम उसमें होने के लिए जो है छात्रवृत्ति के लिए नगर निगम जो है उनके अध्यक्ष के पास एक आवेदन पत्र लिखिएगा। तो वो किस कैटेगरी में आती है, तो वो हमारे फॉर्मल लेटर में आता है। किसमें आता है, फॉर्मल लेटर में आता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर, कि एडिटर के पास लेटर लिखने का मोटिव क्या है। तो एडिटर के पास हम लोग लेटर लिखते हैं उसका मोटिव क्या होना चाहिए, देखिए पहला टू आस्क हिम टू टेक एक्शन एकदम नहीं होगा, टू थ्रेटन हिम टू टेक एक्शन एकदम नहीं होगा, टू ऑर्डर हिम टू टेक एक्शन एकदम नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन ये चौथा हो जाएगा, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज न्यूज़पेपर। तो उनमें उनका रिक्वेस्ट करना कि उसके न्यूज़पेपर में जो है कुछ क्या करे, वो न्यूज़पेपर में थोड़ा सा जगह दे दे, जो प्रॉब्लम हमारा है उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा वो जगह दे दे। तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिजनेस लेटर कम्स अंडर, कि बिजनेस लेटर आती है किस में आती है, इनफॉर्मल लेटर में आती है, फॉर्मल लेटर में आती है, पर्सनल लेटर में है, या तो इनविटेशन में। तो बिजनेस लेटर हमारा किस में आता है, फॉर्मल लेटर में आता है। कह रहा कि इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ्स शुड बी अलाइंस टू, कह रहा कि बिजनेस लेटर में सारा पैराग्राफ जो है वो अलाइंस होना चाहिए किस तरफ से। तो सब किधर होना चाहिए, राइट तरफ से, सेंटर तरफ से, या लेफ्ट तरफ से, या नॉन ऑफ से। तो हम लोग पढ़े हैं कि बिजनेस लेटर जो होता है ना सारा किधर से स्टार्ट होता है, वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो लेफ्ट में मारेंगे टिक हम लोग। आगे हमारा है अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, फॉर्मल लेटर जो है वो स्टार्ट होता है, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद, फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, सेंडर एड्रेस से। किससे स्टार्ट होता है, सेंडर एड्रेस, क्योंकि पहले हम लोग सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट डालते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सेंडर एड्रेस, फिर डेट होता है, फिर रिसीवर एड्रेस होता है, फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर में डेट कहाँ पे होता है। तो लेटर टू द एडिटर में डेट जो है इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में डेट का मेंशन होता है। कहाँ पे होता है, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में डेट का मेंशन करते हैं, किसमें, लेटर टू द एडिटर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट इन फॉर्मल लेटर, कह रहा कि इनमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग वे है डेट को लिखने का। तो देखिए पहला हम लिखें 11 फरवरी 2022, फरवरी 11 2022, 11 फरवरी 2022, और ये ईयर पहले नहीं हो सकता है, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग वे है, ये हमारा क्या है, रॉन्ग वे है, बाकी बात ये सब राइट वे, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन लेटर टू एडिटर, कह रहा कि इनमें से कौन सा राइट फॉर्मेट है डेट लिखने का। तो देखिए ये सब फॉर्मेट सही नहीं है, अब बच्चा क्लास में हम लोग लिखेंगे तो उसको छोड़िए, ये सब हमारा फॉर्मेट तीनों सही नहीं है, हमारा चौथा फॉर्मेट एकदम सही है। ये फॉर्मेट हम लोग को होना चाहिए लेटर टू द एडिटर में लिखने का, ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर वाला। आगे चलते हैं, कह रहा कि इन अ फॉर्मल लेटर, कह रहा कि फॉर्मल लेटर में जो है द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज, सैल्यूटेशन का सही फॉर्म क्या है, तो सैल्यूटेशन का सही फॉर्म डियर सर या मैम है, क्या है, डियर सर या मैम है। आगे हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू द एडिटर, कह रहा कि इनमें से जो है कौन सा मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन है किसके लिए, लेटर टू एडिटर के लिए। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, मिस्टर एडिटर या मिसेज एडिटर, लविंग सर या मैडम, तो चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा। इसमें मोस्ट सुटेबल वे क्या है, सर या मैम, क्या होगा, सर या मैडम होगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं, सपोज वी डू नॉट नो द रिसिपियंट नेम ऑफ अ लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपियंट, कि सपोज दैट अगर मान लीजिए कि आप रिसिपियंट का नाम नहीं जानते हैं, जो रिसीव करने वाले हैं तो उनका नाम नहीं जानते हैं, तो कैसे लिखिएगा इसको, कैसे एड्रेस कीजिएगा, तो डियर सर या डियर मैडम के साथ एड्रेस करेंगे, कैसा, डियर सर या डियर मैम के साथ एड्रेस करेंगे। तो देखिए ये हमारा लेटर का हो गया, हम अगला बार जब इसका वीडियो बनाएंगे तो हम अपने नोट्स से बनाएंगे, और मेरा जो नोट्स बना हुआ है उस नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है, तो उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला दिन जो है ना आप लोग का नॉट मैकिंग बहुत इशू है, तो नॉट मैकिंग पे वीडियो बना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए ताकि आपको याद हो जाए और आने वाला एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।